राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं गेहूं के आटे के साथ एक नई रेसिपी बनाने वाली हूं और साथ में मूंग दाल और आलू इन सभी से मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने आटा गूंद के तो रख लिया था, ये मूंग दाल लिया, इसमें नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा और आलू डाल दिया है 8 से 10। इन सभी को मैं बॉयल कर लेती हूँ। ये देखिए जब तक उधर बॉयल हो रहा है, ये मैंने पचफोरन ले लिया है, ये हरी मिर्चा काट लिया 4 से 5, थोड़ा सा धनिया काट लिया है, हल्दी लिया आधी छोटी चम्मच, सब्जी मसाला आधी छोटी चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये देगी मिर्च है। ये देखिए मेरा सीटी लग चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा पक चुका है। और दोस्तों कटोरी में दाल आधी कटोरी से भी कम डालिएगा, क्योंकि ये फिर जब पकेगा तो ये भर जाएगा। ये देखिए मेरी कटोरी भर चुकी थी और मैं अब इसको निकाल के रख लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैं इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और 2 पिंच इसमें डाल दिया मैंने हींग। हींग अच्छा से पक जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें पचफोरन और डाल भी दिया, ये देखिए, और साथ में हरी मिर्चा डाल दूँगी। इन सभी को अच्छे से चटकने दूँगी। ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें मसाले जो ले लिए थे उन सभी को डाल के अच्छे से भून लूँगी। दोस्तों आदरे तेल गर्म हो जाने के बाद ठंडा कर लीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, गर्म तेल में डालिएगा। तो ये मैंने दाल डाल दिया और दाल को भी अच्छे से भून लूँगी फ्राई करके। ये देखिए दोस्तों रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार होने वाली है। ये देखिए मैं आलू भी डाल रही हूँ इसी में, आलू को भी अच्छे से भून लूँगी मसाले के साथ। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, या तो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलू और दाल के साथ। ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद दोस्तों 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी दोस्तों। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब मैं यहाँ पे मैं धनिया डाल दूँगी, धनिया को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, अब साथ में आधा नींबू निचोड़ दूँगी इसमें। ये देखिए मैंने निचोड़ दिया नींबू को और नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। दोस्तों ये तो तैयार हो गया, मैं इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने आटा लगा के रख लिया था, इसमें से इस आटे में मैंने नमक आधी छोटी चम्मच और अजवाइन और थोड़ा सा घी डाल के मैंने आटा तैयार करके रख लिया था। तो ये देखिए मैं इस तरह से पेड़े एक बना रही हूँ और पेड़े को इस तरह से गोल गोल करके बीच में थोड़ा सा खाली जगह रहेगा, इसमें मैं बाउल भरूँगी जो मैंने आलू और मूंग दाल से तैयार किया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने भर दिया है। दोस्तों इस तरह से भरने के बाद ना ही परोठे हमारे फटेंगे ना ही अस्टप बाहर निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से ये दूसरा भी बना के मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल करके, ये देखिए हल्का सा तेल बीच में डाल दीजिएगा तो हाथ में आटा चिपकेगा नहीं, और वैसे भी नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें हमने डाल के रखा हुआ है पहले से ही घी। ये देखिए इस तरह से बाउल बना लिया है, ये नींबू से भी थोड़ा बड़ा साइज का है। ये देखिए इस तरह से बंद कर दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं दोस्तों और अस्टव भी बाहर कभी नहीं आएगा बेलते वक्त। ये देखिए इस तरह से हथेली की मदद से चपटा कर देंगे और हल्के आटों में पोट करूँगी। बहुत ज़्यादा आटे को डस्ट नहीं करना है, थोड़े थोड़े आटे को डस्ट करके इस तरह से उंगलियों की सहायता से दबा लेंगे। ये देखिए अब हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए दोस्तों ना स्टव बाहर आ रहा है ना हमारे परोठे फट रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बेल के रख लेंगे हम, और ये बेल के तैयार हो कर लिया है मैंने। ये देखिए इस तरीके से, और अस्टव भी चारों तरफ परोठे में फैल गया है। ये देखिए दूसरा भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से हथेलियों की मदद से हम दबा लेंगे इस तरह से। ये देखिए और हल्के हाथों से बेलेंगे, ये देखिए, और बेल के तैयार करके रख लेंगे हम। ये देखिए जो हमने अस्टव भरा था वो चारों तरफ फैल चुका है रोटी पे, तवा गर्म हो चुका है तो इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए सिक गया, अच्छे से सेक लेना हमें तवे पर रख के। और दोस्तों ये देखिए हमने अभी तक इसमें घी भी नहीं डाला था, ये पहले ही गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों खाने में तो टेस्टी लगता ही है, बनाने में भी बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है कि हमारे परोठे फट जाएंगे, अस्टव नहीं
अच्छा से भरेगा इस पराठे में, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये देखिए मैं दूसरा परोठा भी सेक रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से हमने सेक लेना है। दोस्तों ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, ये देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से फूल गया। इस तरह से स्टफ करेंगे पेड़े में तो आपके परोठे कभी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छा खिल के तैयार हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।